मैं हूं मोहम्मद साजिद नजीर और आप देख रहे हैं नया कल न्यूज़ HD। हम आपको लेके चलते हैं आरपी मुल्तान के पास, जो इस वक्त अपनी आवाम को पैगाम दे रहे हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ईद के इस बाबरकत मौके पर मैं तमाम अहले मुल्तान, अहले पाकिस्तान और अहले इस्लाम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। मेरी तरफ से तमाम लोगों को दिल के अथाह गहराइयों से ईद की इस पुरमसरत और बाबरकत मौके पर मुबारकबाद हो। मैं इस मौके पर एक पैगाम ज़रूर ये देना चाहूँगा कि जैसे गवर्नमेंट की भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि घरों तक महदूद रहें तो महफूज रहें। कोरोना की वबा जो है वो बहुत मौलिक वबा है, आजकल स्पाइक्स इसकी आई हुई हैं। कोशिश करें कि घरों तक महदूद रहेंगे तो महफूज रहेंगे, अपने गिरद व नवा में अपने अहबाब अपने अजीज़ वकारीब का भी ख्याल रखें। और इस मौके पर ये ज़रूर ये जहन में रखें कि पुलिस ने और बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने इस ईद को महफूज बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। अभी तक हम लोग दिन रात कोशिश कर रहे हैं, पेट्रोलिंग्स कर रहे हैं, क्रिमिनल्स के ऊपर क्रैकडाउंस किया हुआ है ताकि ये दिन जो है बड़ी हिफाजत और महफूज तरीके से गुजर सकें। और इन दिनों में पुलिस के शोदा और बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के भी शोदा को ज़रूर याद रखें, उनके लिए दुआ भी करें और ये याद रखें कि उन लोगों ने अपनी फैमिलीज उनकी फैमिलीज जो हैं उनके बगैर ईद मना रही हैं, सिर्फ इसलिए कि आप लोग जो है बड़े महफूज तरीके से ईद गुजार सकें। अपने गिरद व नवा में उन लोगों को जो मोहताज हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जो आपके आप समझते हैं कि जिनको आप आपकी इमदाद की ज़रूरत है, उनको इन खुशियों में ज़रूर शरीक करें और दुआ करें कि अल्लाह ताला ये दिन जो है ख़ास तौर पे इस वबा की वजह से, कोरोना की वजह से ये दिन महफूज तरीके से गुजर सकें और अल्लाह ताला हमें इस आजमाइश से निकाले और हम सब लोग जो हैं वो बहुत जल्द नॉर्मल ज़िंदगी जो है वो गुजारना शुरू कर सकते हैं।